और अगली खबर यूपी के श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के कबीर नगर मोहल्ले से है, जहां पर देर शाम लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोग एकटक होकर इंतजार कर रहे थे कि महमूद आलम कब घर पहुंचेगा। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के कबीर नगर का मामला, जहां के निवासी महमूद आलम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जब इसकी जानकारी परिजनों व दोस्तों तथा रिश्तेदारों को हुई तो पीएम के बाद लोग उसके शव का आने का इंतजार करते हुए नजर आए। भारी संख्या में लोगों का कबीर नगर मोहल्ले में जमावड़ा लगा रहा। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में इकौना से, जहां पर इकौना के कबीर नगर मोहल्ला निवासी महमूद आलम पुत्र मूसे चौधरी बस चालक का काम करता था। कल सुबह हुए सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के धरसमा के पास ट्रक और बस की टक्कर हुई थी, जिसमें महमूद आलम सहित तीन लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पोस्टमार्टम के बाद जब महमूद आलम का शव उसके घर पहुंचा तो भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान उसके परिवार में मातम दिखाई पड़ा। देर शाम उसका मिट्टी किया गया। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के कबीर नगर मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग उसके घर के आसपास जमा रहे और काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर देर शाम महमूद आलम का पार्थिव शव उसके घर पहुंचा। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के कबीर नगर मोहल्ले की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोग काफी संख्या में जमा रहे और देर शाम पोस्टमार्टम के बाद महमूद आलम का शव जब घर पहुंचा तो गांव घर में मातम मच गया। वहीं पूरे मोहल्ले तथा आसपास के लोग भारी संख्या में उसे अंतिम बार देखने के लिए जमा रहे। इकौना बहराइच मार्ग के धरसमा के पास हुई भीषण दुर्घटना में महमूद आलम की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही लोग महमूद आलम के घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। देर शाम उसका शव घर पहुंचा। इस दौरान भारी तादाद में लोग जमा रहे।